अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलेंगे, जहां पर कंजावला कांड को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। थैंक यू। तो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा यह गया है कि हम लगातार जांच कर रहे हैं और जांच का नतीजा ये है कि अब हमारे पास एक चश्मदीद है, जो चश्मदीद फिलहाल पुलिस की जांच में सहयोग भी कर रही है। हालांकि देखिए, प्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन प्रेस के सामने पुलिस की तरफ से ये जानकारी जरूर दी गई है कि किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और अब पुलिस के पास घटना का एक चश्मदीद भी है। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो देखिए, जल्द ही जांच को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मामले में जांच आगे बढ़ रही है, एक आई विटनेस मिल गया है और आई विटनेस पुलिस को सहयोग कर रही है। कंजावला कांड को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अभी तक की कार्रवाई को लेकर जानकारी दी गई है कि अंजलि के साथ, मृतका के साथ उस दिन एक और लड़की थी। हादसे को लेकर जानकारियां सामने आई है, लेकिन पुलिस की तरफ से फिलहाल इतना ही बताया गया है कि चश्मदीद उनके साथ है, जांच में सहयोग कर रही है।